बर्फ देखिए मेरे दोनों तरफ, ग्राम पंचायत कुफरी में आपका स्वागत है। ये महासु पीक कुफरी है, बर्फ बर्फ और बर्फ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज 15 जनवरी 2022 मैं इस समय शिमला में अपने होटल बालकनी में, मौसम अच्छा है आज का, सामने पहाड़ियों पर धूप है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। और ये नीचे सर्कुलर रोड जो कुफरी और आगे नारकंडा की तरफ रोड जाती है, ये सामने शिमला शहर, खूबसूरत नज़ारा सुबह सुबह का। कल रात हम रिज वगैरह घूमे थे, माल रोड वगैरह यहाँ शिमला में, और सुबह ऋषिकेश से चले थे। ये सामने देखिए मेरी बाइक खड़ी हुई है, ये बर्फ के बीच में कार के आगे, ये कार्तिक है। और आज का प्लान ये है, अभी नहा धो के 1 से 1.5 घंटे में हम कुफरी जाएंगे। ये कुफरी की रोड जा रही है ये। दोस्तों अब तैयार हो गए हैं हम कुफरी जाने के लिए, सब चीज़ रेडी है, नहा धो लिए हैं, 9:30 बज गए। ये कार्तिक भी तैयार है, अब सामान तो यहीं रहेगा क्योंकि शाम को यहीं आना लौट के। हेलमेट लेने हैं बस, गाड़ी की चाबी, और हम अब निकलते हैं। तो होटल से हम बाहर आ गए हैं अब, होटल की स्टेयर्स निकलते हुए, और सामने धूप धूप है, नज़ारा खूबसूरत है सामने पहाड़ियों का। और ये हमारी बाइक सामने है, थोड़ा मुझे लगता है ठंड होने के कारण स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, देखते हैं कार्तिक अब करेगा अपने हिसाब से। बसें आ रही हैं कुफरी साइड से, अब यहाँ से जाएंगे हम टनल के अंदर से कुफरी की तरफ। ये कार्तिक हेलमेट पहन के तैयार होता हुआ, तो बाइक को हीट कर ली है, थोड़ा स्टार्ट करके रखना पड़ता है ठंड के मौसम में, और ये चलने के लिए तैयार है कुफरी। ये सामने हमारा होटल है, घूम घाम के आते हैं फिर देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम बनता है। अब मैं इस पे बैठता हूँ, चलो ये कुफरी की तरफ हम रवाना हुए। ये टनल यहाँ संजोली, फिर व्यू पॉइंट आएगा कुफरी, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। मौसम साथ दे रहा है, धूप खिली हुई है, साइडों में काफी बर्फ है जमी हुई। दल्ली 5 किलोमीटर, मशोबरा 8, नालदेहरा 20, तत्तापानी 52 किलोमीटर। तो ये प्राइवेट टैक्सीज ये कुफरी की तरफ जा रही हैं। मेरे सामने हिमालयन रेंज है बर्फ से ढकी हुई, आप ये देखिए साइड मेरे राइट हैंड पे पहाड़ों पे बर्फ,
आराम आराम से चल रहे हैं। सुबह मोबाइल में दिखा रहा था -2, सुबह 7 बजे उठ के देखा था मैंने, लेकिन इस समय सूरज महादेव आ गए हैं तो ठंड ठंड तो है लेकिन एहसास कम है। ये देखिए बर्फ, बर्फ देखिए मेरे दोनों तरफ। बर्फ में बाइक चलाना काफी कठिन होता है वैसे, क्योंकि जब जम जाती है बर्फ तो ब्लैक आइस हो जाती है, वहां स्लिप होने का डर रहता है, इसलिए पहाड़ों में जहाँ बर्फबारी होती है बड़े संभल के चलाने की जरूरत होती है। ये देखिए आप व्यू, देखिए आप बेहतरीन नजारा, दोनों तरफ बर्फ। ये देखिए सामने ऊपर पहाड़ पे, ये हम संजौली की तरफ जा रहे हैं, संजौली आने वाला है। बर्फ से लेते हुए पहाड़, कितना खूबसूरत नजारा, ये देखिए आप बर्फ ही बर्फ है, विहंगम दृश्य है, ऑसम। ये शिमला नारकंडा हाईवे भी है, ये देखिए कितने लोग अठखेलिया करते हुए बर्फ में। मेरे राइट हैंड पे गजब दृश्य है, वाह बेहतरीन। ये संजौली आ गया है, संजौली होगा, ये संजौली मार्केट है। ये कितना प्राकृतिक नजारा सुंदर है, ये देखिए सामने चीड़ देवदार के वृक्ष लगातार। अब आगे जाके एक व्यू पॉइंट आएगा, ये आ गया व्यू पॉइंट आ गया है, यहाँ पाइन की वैली पूरी दिखती है, थोड़ा आगे ले, ये व्यू पॉइंट है, यहाँ अक्सर टूरिस्ट आते हैं और अपनी फोटोग्राफी करते हैं। ये देखिए आप
ये हमने अपनी बाइक रोक दी है अभी फिलहाल। व्यू पॉइंट खूबसूरत नजारा है, देखिए आप। टूरिस्ट को देखिए आप, जब भी शिमला वगैरह कुफरी आए तो यहाँ का एंजॉय जरूर ले। ये देखिए सामने वैली, देखिए आप पाइन वैली। यहाँ 15-20 मिनट रुकेंगे, फोटोग्राफी वगैरह करेंगे, फिर आगे कुफरी की तरफ जाएंगे। ये देखिए कितना मनोहरी दृश्य है, अगल बगल बर्फ, पाइन ट्रीज, ठंडा मौसम, और क्या चाहिए सफर के लिए। ग्रेट व्यू, रास्ते में मैगी, ऑमलेट, गोलगप्पे इनकी ठेलियां भी हैं। जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मौसम बहुत ठंडा होता जा रहा है। शिमला समुद्र तट से 2300 मीटर की हाइट पे है और कुफरी 2700 मीटर की हाइट पे है। ये देखिए आप, गजब व्यू है। रक्षक, रक्षक जी हैं, वाकई रक्षा कर रहे हैं इन्होंने। देखो मेहनत करके और बर्फ़ साफ करी है, क्योंकि ये कुफरी ब्लैक आइस जमी है। ये देखिए आप, इसे ब्लैक आइस बोलते हैं। तो टू व्हीलर ले जाना यहाँ से आगे, बहुत ख़तरनाक है। तो हम अपनी बाइक यहीं पार्क कर रहे हैं, ये रक्षक जी की दुकान है, और यहीं पर बाइक लगा के पैदल पैदल इन्जॉय करेंगे। ये देखिए, और ये ओबेरॉय ग्रुप का वाइट फ्लावर होटल है ये। ये देखिए आप, ये बाइक हमने यहाँ पार्क कर दी है अपनी। थैंक यू रक्षक। ये देखिए बर्फ, ब्लैक आइस, इसलिए हमने अपनी बाइक पीछे खड़ी कर दी, क्योंकि रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं है। और स्किड कभी भी हो जाएगी गाड़ी, हाँ फोर व्हीलर भी, फोर व्हीलर से हालांकि कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन टू व्हीलर बहुत ख़तरनाक है ऐसी आइस में। ये मैंने आपको दिखाया, ये देखिए आप, यहाँ स्किड हो जाती है। ये आइस के ऊपर, सड़क पे आइस गिरती है, फिर मट्टी आ जाती है। और अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर गौतम रेस्टोरेंट कुफरी, और ये बर्फ़बारी देखिए आप। फिर हम किसी रोडवेज की बस से लिफ्ट ले वो लेंगे, या किसी से लिफ्ट लेके आगे कुफरी की तरफ जाते हैं। अब बाइक खड़ी करके आगे का सफ़र हम बस में कर रहे हैं, क्योंकि रोड पर काफ़ी आइस है, बाइक चलना मुश्किल है काफ़ी। इसलिए हमने यहाँ पर 3 या 4 किलोमीटर कुफरी है, तो हम चलते हैं।
जहाँ हमारी बाइक खड़ी है वहीं तक बस में आके हम शिमला से पहुँच जाएंगे। हम इस बस में जहाँ हमारी बाइक खड़ी है कुफरी तक आ गए हैं। 10-10 रुपये टिकट है। देखिए ढाली 1 किलोमीटर, शिमला 14, सोलन 69, परवानू 94 किलोमीटर। ये कुफरी है, अच्छी खासी भीड़ है पर्यटकों की यहाँ। यहाँ ऊपर जाने के लिए घोड़े ऊपर जाते हैं व्यू पॉइंट पर। ये किराए पर ड्रेसेस मिलती हैं यहाँ, गम बूट और अपर लोअर। कुफरी का व्यू है, बर्फ काफ़ी है। आओ ये बर्फ देखिए आप। थोड़ा एंजॉय करते हैं फिर यहीं से हमें वापसी की बस मिल जाएगी। ये शिमला से जो रोड आ रही है ये सीधे मेरे सामने गई है नारकंडा। ये किराया ये चैल की तरफ चली गई है, जहाँ जिप्सी जा रही है चैल गया। ये थियोग रामपुर रीच है। ये शॉप्स हैं जगह जगह गम बूट्स यूनिफॉर्म्स की। यहाँ पे किराए पे कपड़े मिलते हैं। यहाँ से व्यू पॉइंट की दूरी है कुफरी से करीब 3 किलोमीटर है। तो ये 50 रुपये सवारी है, टैक्सी हमें घोड़ा स्टैंड पे छोड़ेगी। ये देखिए आप, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ का प्रकोप। कितनी हाइट पे जा रहे हैं हम, काफ़ी भयंकर बर्फबारी हुई है यहाँ। अब घोड़े वगैरह दिखने शुरू हो गए।
तो इस गाड़ी ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया 50-50 रुपये में कुफरी स्टैंड पर। अच्छी काफ़ी भीड़ है, बर्फ़ काफ़ी है टूरिस्ट की, कोविड होने के बावजूद भी काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ। चलो अब हम घोड़ा करके शायद ऊपर जाएंगे, अभी फिर मिलते हैं आपसे। आप ये देखिए टूरिस्ट की कितनी भीड़ है, आगे घोड़ा स्टैंड है। अब घोड़े पे बैठ के 3-3.5 किलोमीटर ऊपर व्यू पॉइंट पे जाएंगे। ये देखिए आप, कुफरी है ये, टूरिस्ट का जमावड़ा देखिए। यहाँ से घोड़ा स्टैंड है ये, यहाँ से घोड़े पे ऊपर जाएंगे। अभी घोड़े पे बैठ गए हम, ये कार्तिक, घोड़ा स्टैंड। काफी बर्फबारी है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है घोड़ा हमारा। कुफरी व्यू। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी में सबसे ज्यादा बर्फ होती है, इनके रोजगार का भी यही साधन है, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग भी। 2-3 महीने का सीजन होता है, हालांकि कुफरी में गर्मियों में भी जाते हैं लोग ऊपर, लेकिन मेन बर्फ जनवरी में ही देखने को मिलती है। सामने हिमालय की पहाड़ियाँ, बर्फीली बर्फ ही बर्फ। ये घोड़े वालों से पता लगा है, एक घोड़ा 2 किलो गुड़ रोज खाता है, साथ में चना है, चावल का मांड है, और क्या क्या खाता है, घास वगैरह। वो जब ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इनको भी खुराक चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा, है मनीष? ये मनीष जी हैं, ये घोड़े वाले हैं जो देख के। थोड़ा तंग गली है इसलिए पेड़ पूड़ का, पैर पूड़ का ध्यान रखना पड़ता है। काफी एंजॉय आ रहा है इस समय। एक रास्ता वहां से भी आ रहा है। ग्राम पंचायत कुफरी में आपका स्वागत है। भयंकर बर्फ चारों तरफ, ये देखिए आप, स्नो ही स्नो। मनीष यहाँ से कितना है अब? आधा हो गया, अभी आधे में आ गए हैं हम। पेड़ों पे देखिए कैसी बर्फ लद रही है ये।
जब हम कुफरी स्नो पॉइंट पे पहुंच गए हैं, आप यहाँ की बर्फ़ देखिए, आप घुटने घुटने तक बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ बर्फ़, बहुत सुंदर वातावरण। घोड़े के इंतजार में बैठे हैं वापसी के। आओ ग्राम पंचायत मखडोल, चल बाबू। ये याक है, बंदूक भी है, बर्फ देखिए, ये व्यू पॉइंट। ये देखिए आप स्नो, देखिए आप, ये याक्स, ये बर्फीली जगह ही मिलते हैं। ये आगे देखिए आप, कितनी बर्फ है। यहाँ गमबूट ही काम करेंगे, घुटनों तक बर्फ है, क्योंकि ठंड काफ़ी है। अगर एक बार पैर गीले हो गए, सॉक्स गीले हो गए, तो आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। ये देखिए आप,
ये महासू पीक कुफरी है। टूरिस्ट और मैं, हम सब बर्फ का एंजॉय लेते हुए, काफी बर्फबारी है। अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ करीब 1.5-2 घंटे से एंजॉय कर रहे हैं हम। काफी तेज धूप है, लोग तरह तरह की एक्टिविटीज करते हुए, स्कीइंग वगैरह। अब हम थोड़ा हाइट पे जाते हैं उधर ऊपर। थोड़ा हाइट पे चलते हैं अभी ऊपर स्टेयर से, पैर जमा के। बर्फ बहुत है स्टेयर्स पे, जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है यहाँ। ये मंदिर है शायद कोई ऊपर। जय मेरे परमात्मा। ये देखिए आप यहाँ से नज़ारा। आईसी आइस, ये हनुमान मंदिर है। जय वीर हनुमान, जय बजरंगबली। ये काफी हाइट पे जा रहे हैं हम। बहुत ही स्नो है, घुटनों घुटनों तक बर्फ। हम काफी पीक पर आ गए हैं। ये देखिए आप नजारा। बहुत स्नो है, टैली स्नो पॉइंट, एप्पल गार्डन। लोग अटखेलिया करते हुए, खेलते हुए बर्फ के गोलों से। टॉप पॉइंट पे आ गए हैं ये। ये जय महासू नाग देवता, ये मंदिर है जो बर्फ से पूरा ढक गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जय महासू नाग देवता 2019 में बना था, ये बर्फ से ढका हुआ है।
ये देखिए टूरिस्ट बर्फबारी का आनंद लेते हुए हठखेलिया करते हुए खूबसूरत नज़ारा यहाँ से खुफरी पिक का। चलो दोस्तों मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। अब हम ये जय महासुनाग देवता मंदिर कुफरी टॉप से काफ़ी घूम लिए हैं, दो तीन घंटे से हिमालयन पिक सामने है। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी बर्फबारी का एंजॉय कर लिया है, फोटोग्राफी वगैरह टूरिस्ट खेल रहे हैं। ये ऊपर से लेके नीचे तक देखिए आप, ऊपर से नीचे का व्यू। अब हम वापस, अब आए तो हम घोड़े से थे लेकिन हमने डिसाइड कराया है कि अब हम पैदल ही जाएंगे ये कुफरी से नीचे। अब हम कुफरी से पीक पॉइंट से पैदल ही नीचे जा रहे हैं कि हम पैदल का भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। आते हुए घोड़े से आए थे, अब पैदल ही पैदल हम जा रहे हैं। ये बूट जो है गम बूट ये ही पहनना है, इसमें ग्रिप भी है और घुटने तक हैं, ये रबर प्लास्टिक के होते हैं, ये बहुत अच्छे शूज़ हैं क्योंकि ऊपर घुटने घुटने तक बर्फ़ है और ये मिट्टी भी दलदली है। ये देखिए आप अपने घर के जूते या वैसे जूते पहन के आते हैं वो नहीं चलेगा, यहाँ ये ही परफेक्ट जूते हैं। काफ़ी लोग भी पैदल जा रहे हैं, काफ़ी आते घोड़े से चढ़ाई है और ढाल पे हम जा सकते हैं आराम से पैदल। तो दोस्तों धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए पेड़ पर स्नो, कितना प्यारा दृश्य है, वाओ। बेहतरीन दृश्य है। अब नीचे की तरफ हम जा रहे हैं कुफरी से। यहाँ पे चलते हैं। अरे मोड़ पे रुक जाते हैं ना, मोड़ पे आराम से। बेहतरीन। दोस्तों कुफरी का पूरा आनंद ले लिया है, 3-3.5 घंटे यहाँ बिताए हैं। अब हम पैदल ही पैदल नीचे की तरफ जा रहे हैं, टॉप पॉइंट से महासुनाग देवता मंदिर से पीक से हम नीचे पैदल जा रहे हैं, पैदल का आनंद ले रहे हैं। आपके सामने ये कितना मनोहर दृश्य है, 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता और बचा है, 10-15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। दोस्तों कुफरी व्यू पॉइंट से अब नीचे की ओर मैं जा रहा हूँ। 3-3.5 घंटे एंजॉय कराए खूब बर्फ़ में, काफ़ी बर्फ़ है ऊपर। आते हुए हम घोड़े से आए थे लेकिन जाते हुए कार्तिक ने कहा कि पैदल भी एंजॉय करते हैं 3-3.5 किलोमीटर। काफ़ी व्यू का मज़ा देखते हुए आ रहे हैं हम। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने भरपूर आनंद लिया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। प्रणाम मित्रों, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।